ओके ठीक है। क्लास क्लास में क्या शुरू करेंगे बेटे, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट एक्स वन वाई वन फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। मतलब हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होगा, जैसे कि मानो ये एक स्ट्रेट लाइन है, मानो ये एक स्ट्रेट लाइन है और मानो इसका इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा स्ट्रेट लाइन है और मानो इसका इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। और बेटे कहीं पर एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट से एक्स वन वाई वन, स्ट्रेट लाइन के बाहर, स्ट्रेट लाइन के बाहर कहीं पर एक पॉइंट है एक्स वन वाई वन जो कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं है, ध्यान रखो। और हमें ये पॉइंट, मानो इसका नाम पी है, हमें पॉइंट पी से ये स्ट्रेट लाइन के प्रति डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस। और बेटे मैं अगर खाली डिस्टेंस बोलूँगा तो आप समझ लेना कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। मुझे पॉइंट पी से ये लाइन के प्रति परपेंडिकुलर डिस्टेंस का लेंथ निकालना है। मतलब ये, अगर मैं ये पॉइंट से लाइन को अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो यही जो लेंथ इसका है ना, यही लेंथ मुझे निकालना है, डी निकालना है। मेरे पास समझ रहे बेटे क्लियरली? ओके यस सर, यस सर। तो बेटे डी निकाल, डी का वैल्यू मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू निकालने का जो डायरेक्ट फार्मूला है, वो डायरेक्ट फार्मूला पहले देखेंगे क्या है और उसको याद रखोगे, प्रूफ हम बता देंगे कैसे होगा, ठीक है ना। चलो ठीक है। तो अच्छा, सबको आई होप समझ में आ गया है कि हम यहाँ पर करना क्या चाह रहे हैं, राइट? यस। ओके, देखो बेटे ये जो पॉइंट पी है ना, जिसका डिस्टेंस आप निकालना चाहते हो लाइन से, उसका कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन है और लाइन का इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। आपको क्या करना है बेटे, लाइन का जो इक्वेशन का जो लेफ्ट पार्ट है ना बेटे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसमें ना बेटे एक्स एंड वाई के जगह पर आपको खाली एक्स वन वाई वन सब्स्टिट्यूट पहले करना है। मेरे बात पीछे सुनो, फिर से सुनो, लाइन का इक्वेशन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, तो मुझे क्या करना है, जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, उसमें एक्स के जगह एक्स वन सब्स्टिट्यूट करना है, ए एक्स वन प्लस बी वाई के जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है बेटे, वाई वन प्लस सी, ठीक है ना। बस इसका मॉड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए बी क्या है बेटा, इक्वेशन में एक्स का कोफिशियंट वाई का कोफिशियंट। मैं फिर से बताता हूँ, लाइन का इक्वेशन है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन। आपको ये पॉइंट से मॉड ऑफ ए प्लस बी कैसे हो जाएगा, ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर खाली है, प्लस टू ए भी होता तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का रूट ऑफ होता, खाली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बड़ी हाँ ओके बस ठीक है। हाँ तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी का मॉड डिवाइड बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको लेके एक एग्जांपल पहले करते हैं, फिर ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है मैं समझा दूंगा, लेकिन आपको डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है ना। ओके तो चलो इसी को लेके क्वेश्चन करते हैं, ये वाला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 4.3 का, लेट मी जूम इट इन। यस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द लाइन दिस। हमें एक लाइन दिया गया है और एक पॉइंट दिया गया है, हमें वो लाइन से वो पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो लाइन आपको दे रखा है, इसका इक्वेशन क्या दे रखा है बेटा, उसने 12 होल इंटू एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू 5 होल इंटू वाई माइनस टू। ये हमारा लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। अगर इसको स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन इसको अगर ठीक से लिखे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, अगर मल्टीप्लाई कर दे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के, ये हो जाता है 12x प्लस 72 इज इक्वल टू माइनस टेन। तो बेटा 12x माइनस 5y प्लस 82 दैट विल बी इक्वल टू जीरो। बेटा देख लो, चेक कर लो, कहीं गलत हुआ है क्या कहीं पर? ओके, तो ये है हमारा लाइन का इक्वेशन। ओके तो ये है हमारा लाइन का इक्वेशन। चलो मैं लाइन इधर बना देता हूँ, ठीक है ना। बेटे देखो फिर से बोल रहा हूँ, दिस इज क्रूड डायग्राम, पूरा एक्यूरेट डायग्राम नहीं है। ये है मेरा लाइन का इक्वेशन और कहीं पर एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है -1, 1।
बस। और मुझे किधर गया भाई, इसको मैं ये कर देता हूँ। हाँ बस ठीक है। और मुझे ये पॉइंट्स का ये स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस निकालना है, ये लेंथ निकालना है, मेरे पास समझ रहे हो, डिस्टेंस निकालना है। तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा बेटे, डायरेक्ट फार्मूला, क्लियर? तो डी इज इक्वल टू यस सर, एक्स वन यस सर, प्लस बी वाई वन प्लस सी का मॉड डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चलो इस फॉर्मूला को लगाएंगे, कैसे देखते हैं बेटे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है वो तो पहले जनरल फॉर्म में होना चाहिए। वेरी केयरफुल लिसन, जब आप कोई भी एक पॉइंट का एक स्ट्रेट लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करने के लिए जा रहे हो, पहला तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको जनरल फॉर्म में दे रखना चाहिए। अगर नहीं रखा है तो आपको किसी भी तरह उसको उस फॉर्म में लाना होगा। जैसे कि यहाँ पर हमारा लाइन का इक्वेशन उसने कैसे दे रखा था, देखो ऐसे अगर देता है तो आपको पहले तो उसको जनरल फॉर्म में लाना होगा लाइन का इक्वेशन, फिर जाके फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो पहले हमने ये जो ऐसे लिखा था उसको पहले ऐसे किया बस। अब हम ये पॉइंट से उसका डिस्टेंस निकालें, कैसे निकालोगे बेटे, देखो ये जो इक्वेशन लाइन का जो इक्वेशन का जो लेफ्ट पार्ट है ना बेटे, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लिखा है ये, ठीक है ना, ये इससे बेटे जहाँ पर एक्स लिखा है उसके जगह पर माइनस वन सब्स्टिट्यूट करोगे, जहाँ पर वाई लिखा है उसके जगह पर वन सब्स्टिट्यूट करोगे। बेटे बोला ना, जहाँ पर एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में जहाँ पर एक्स लिखा था वहाँ पर एक्स वन सब्स्टिट्यूट करोगे, और जहाँ पर वाई लिखा था वहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, वाई। बेटे समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर, यस सर। तो बेटे ये एक्स के जगह हम क्या लिखेंगे बेटे, माइनस वन, वाई का जगह क्या लिखेंगे बेटे, वन प्लस 82 का मॉड डिवाइड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए इधर क्या बेटे, 12, यस। ए इधर क्या बेटे, 12, तो 12 का स्क्वायर, बी इज व्हाट, माइनस 5, तो माइनस 5 का स्क्वायर। तो बस आपको खाली निकालना है बेटे, माइनस 12 हो जाएगा ये, माइनस 12 ये कितना हो गया, माइनस 5 प्लस 82 का मॉड 169, टोटल कितना हो जाएगा बेटा, 30। अच्छा, कौन मुझे बोलेगा क्यों हम मॉड देते हैं, मॉड हम क्यों दे रहे हैं यहाँ पर, कौन बोलेगा मॉड क्यों दे रहे हैं, डिस्टेंस का भी, डिस्टेंस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जी बाप रे, इतना सब रख के हैं, अच्छा, ओके बस। तो वैल्यू निकालो जल्दी बेटे, निकालो, ये कितना होता है, माइनस 12 माइनस माइनस 17, 82 माइनस 17 कितना होता है बताओ, निकालो निकालो जल्दी निकालो, 65। हाँ 65, श्योर? यस सर, ओके। तो ये हो गया बेटे 65 का मॉड, मतलब 65 डिवाइड बाई 13 कितना आएगा, 5। इसका मतलब ये पॉइंट का लाइन से दूरी कितना पर कितना है बेटे, 5 है, ठीक है, क्लियर, ओके ठीक है, यस सर, ओके यस सर। तो और एक एग्जांपल खाली देख लो ताकि आपको याद रह जाएगा ये चीज़ें, ठीक है ना। तो मानो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन उसने दे रखा है कि वाई इज इक्वल टू 5x, 66 नहीं, 65 आएगा ना, 65 आएगा बा, 12 माइनस 1 5 आएगा ना, और उसने बोला है कि देयर इज अ पॉइंट लेट्स से 1,2, हमें ये पॉइंट पी का ये लाइन एल से डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो पहला तो ये लाइन एल ऐसा ऐसा मानो है, इसे जवाब लाइन एल जिसका इक्वेशन उसने दे रखा है वाई इज इक्वल टू 5x प्लस 3, और एक पॉइंट किधर है मानो वो जिसका कोऑर्डिनेट है 1,2, ठीक है, अच्छा पॉइंट पी, और मुझे ये पॉइंट से ये लाइन के प्रति परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू चाहिए, मतलब वैल्यू चाहिए।
और उसके लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, डी का फॉर्मूला। लेकिन वो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मैंने आपको बोला था कि लाइन का इक्वेशन पहले तो आपको जनरल फॉर्म में चाहिए। जब तक लाइन का इक्वेशन जनरल फॉर्म में नहीं है तब तक आप वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो जनरल फॉर्म क्या होता है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वैसा लिखना चाहिए लाइन के इक्वेशन को। तो यहाँ पर उसको कैसे लिख सकते हैं ना, फाइव एक्स माइनस वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। यू गॉट इट नाउ, दिस इज द यस सर। मैं बोला कि लाइन का इक्वेशन पहले ही आपको जनरल फॉर्म में दे रखना चाहिए। जब तक लाइन का इक्वेशन जनरल फॉर्म में नहीं है तब तक ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन, फॉर्मूला क्या होता है ना, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी का मॉड डिवाइड बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे समझा, यहाँ पर ये लाइन का इक्वेशन ऐसे दिया गया होगा और एक पॉइंट होगा एक्स वन वाई वन, आपको इस पॉइंट से वो लाइन का डिस्टेंस निकालना है। तो आपको क्या करना है, लाइन का जो जनरल फॉर्म है उसका जो लेफ्ट पोर्शन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, उसमें एक्स वाई के जगह पर ये जो पॉइंट जिसका आप डिस्टेंस निकालना चाह रहे हो उसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट खाली रख दो, है ना, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन सी मॉड डिवाइड बाय रूट ओवर ऑफ, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्लियर? ओके ओके बस। हाँ तो इधर भी वही बात है, उसने हमें पहले तो लाइन का इक्वेशन जनरल फॉर्म में नहीं दिया था, फिर जनरल फॉर्म में लाया, अब करेंगे। हाँ तो क्या करोगे बेटे, लाइन पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन इसको, है ना, इनको लाके लाइन का जो जनरल इक्वेशन का जो लेफ्ट पार्ट है उसमें एक्स का जगह वन रखोगे, वाई का जगह टू रखोगे। मेरा समझ रहे हो, फाइव इंटू वन माइनस टू प्लस थ्री का मॉड, देखो एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी का मॉड डिवाइड बाई रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए इधर क्या है बेटे, फाइव है, फाइव का स्क्वायर। बी क्या है बेटे, माइनस वन, माइनस वन, माइनस वन। बस आप खुद निकालोगे इसका वैल्यू, निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे? यस सर, यस सर। ओके ठीक है, तो आगे चले। यस सर। ओके यस सर। हाँ तो मैं खाली आपको बता देता हूँ कि इसका फॉर्मूला का डेरिवेशन होता कैसे है, लेकिन एग्जाम में नहीं आने वाला है डेरिवेशन, तो मैं खाली बता देता हूँ कि आया कहाँ से, पूरा भी नहीं करूँगा, आपको आइडिया दे दूंगा डेरिवेशन, नॉट फॉर एग्जाम। तो आप जैसे मैं बताऊँगा वैसे घर में ट्राई करके डिराइव खुद से कर सकते हो। तो देखो बेटे, मानो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, मानो ये वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये मेरा ओरिजिन, और मानो मेरा लाइन कुछ ऐसा है, देख सकते हैं लोग को, बस मानो मेरा लाइन कुछ ऐसा है और मानो मेरा लाइन का इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। मारो मैंने ये जो मेरा लाइन एल है, मानो उसका इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और मानो कोई कहीं पर एक पॉइंट पी इधर है जिसका कोऑर्डिनेट्स है एक्स वन वाई वन, और मुझे इसी P पॉइंट से ये लाइन के प्रति परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करना है, मतलब इसका वैल्यू निकालना है। चलो इसका नाम है पी एम, एम दे देता हूँ, ठीक है ना, एम ये पॉइंट जहाँ पर कट गया। तो मुझे पी एम का लेंथ चाहिए, क्या चाहिए मुझे, पी एम का लेंथ चाहिए। अच्छा बेटे मुझे एक बात बताओ, क्या आप ये पॉइंट और ये पॉइंट, क्या आप ये दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट डिसाइड कर सकते हो कि नहीं कर सकते लाइन के इक्वेशन से? अरे भाई ये पॉइंट, अरे भाई हाँ ये पॉइंट में ये लाइन जो है ना भाई, लिसन 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 बेटे, ये जो लाइन है ये पॉइंट पर, ये पॉइंट का नाम है, ये पॉइंट का नाम देता हूँ पी, सॉरी पी ऑलरेडी दे चुके हैं, क्यू दे देता हूँ। क्यू पॉइंट पर हमारा वाला लाइन एक्स एक्सिस को कट किया है, तो मतलब ये क्यू पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट तो पहला जीरो होगा और इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट हो क्या होगा, इसी लाइन का एक्स इंटरसेप्ट। हाँ एक्स इंटरसेप्ट, और लाइन का एक्स इंटरसेप्ट में उसका जनरल इक्वेशन से निकाल सकता हूँ कि नहीं, माइनस सी बाई ए, माइनस सी बाई ए। यस सर। व्हाट अबाउट द अदर्स, अरे गॉट इट, यस सर, यस सर। और ये पॉइंट आर है बेटे, ये पॉइंट पर हमारा लाइन वाई एक्सिस को कट किया है, तो मतलब ये पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा और वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, ये पॉइंट का ना हमारे वाला लाइन का वाई इंटरसेप्ट, और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है बेटे, माइनस सी बाई बी।
एवरीबॉडी गॉट इट? अच्छा यस सर अब मैं बेटे इन दोनों को जोड़ लेता हूँ और इन दोनों को भी जोड़ लेता हूँ। तो देखो आपको एक ट्राइंगल मिल गया आर पी क्यू, है ना, यू गेट ए ट्राइंगल आर पी क्यू। अच्छा बेटे अगर मैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल आर पी क्यू पूछूँ, आर पी क्यू ट्राइंगल का अगर मैं एरिया पूछूँ, एरिया कैसे निकालता है ट्राइंगल का, नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ इंटू ये आर पी क्यू ट्राइंगल का बेस क्या है बेटा आर क्यू है, इंटू हाइट क्या है बेटा पी एम है, है ना, इसी ट्राइंगल का। क्लियर? तो बेटे मुझे हाँ तो बेटे मुझे पी एम का वैल्यू चाहिए, तो पी एम का वैल्यू क्या होगा बताओ बेटे, ना क्रॉस अगर कर दे तो टू इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल आर पी क्यू डिवाइडेड बाय आर क्यू, है ना, सबको इस साइड में ले गया, खाली पी एम को रख दिया, है ना, पी एम विल बी इक्वल टू दिस, अरे गेडी टू को क्रॉस कर दिया आर पी क्यू। यस सर। हाँ तो मगर तो इसका मतलब मुझे अगर इसका वैल्यू निकल मुझे पता चल गया तो मुझे पी एम का वैल्यू पता चल जाएगा, राइट, वही तो हमें चाहिए, हमें पी एम ही चाहिए, पी एम का लेंथ। तो बड़े देखो आर क्यू का वैल्यू अब बड़े आराम से निकाल सकते हो, कैसे बेटे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, है ना भाई, आर yes, का आर का कोऑर्डिनेट्स पता है, क्यू का कोऑर्डिनेट्स पता है, तो एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर का रूट ओवर, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना, वो फॉर्मूला लगा के आप आर क्यू का लेंथ निकाल सकते हो। एरिया ऑफ आर पी क्यू, भाई देखो अगर ट्राइंगल का तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट हमें पता हो, जैसे कि यहाँ पर पता है आर का कोऑर्डिनेट पता है, पी का ही पता है, क्यू का ही पता है, तो फॉर्मूला लगा के हम एरिया ऑफ द ट्राइंगल भी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, हाफ इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स वन इंटू वाई वन माइनस, अरे समझ रहे हो ना, एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस वट एक्स थ्री इंटू वाई वन माइनस वाई टू, वो लगा के निकाल दोगे एरिया, क्लियर, बस तो सब निकाल दोगे, फिर ये आ जाएगा आपका आंसर पी एम फाइनली। ठीक है, खुद ट्राई करोगे घर में? यस सर। बस यही कॉन्सेप्ट पहले आपको इस्तेमाल करना है। वेरी गुड वेरी गुड। ओके तो देखते हैं आपका इसमें और इसके ऊपर क्या क्वेश्चन है। हाँ ये वाला क्वेश्चन एक करते हैं, उसी के ऊपर और एक क्वेश्चन, मतलब वही डिस्टेंस फॉर्मूला को अप्लाई करके और एक क्वेश्चन। अच्छा उसने बोला है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स निकालो हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम द लाइन दिस आर फोर यूनिट्स। मतलब एक लाइन हमारे पास है, इसका इक्वेशन है एक्स बाई थ्री, मैं पहले क्रूड डायग्राम बनाता हूँ क्वेश्चन समझाने के लिए, क्वेश्चन में समझा रहा हूँ, ऐसे करके हमारे पास एक लाइन है और वो बोल रहा है कि देर आर सम पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं जिनका डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब खाली डिस्टेंस, मतलब पॉइंट का खाली डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिनका डिस्टेंस फ्रॉम आवर लाइन इज फोर यूनिट। जैसे ये एक पॉइंट है, मानो लेट ये एक पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर जिसका डिस्टेंस हमारे लाइन से फोर यूनिट है, ऐसे कहीं पर और एक पॉइंट भी है जिसका भी डिस्टेंस हमारे लाइन से फोर यूनिट है, मेरे को समझ रहे हो, जैसे कि मानो ये लाइन ऐसे गया है और इधर कहीं पर एक पॉइंट है एक्स ऊपर जिसका भी डिस्टेंस पर फ्रॉम डिस्टेंस वही फोर यूनिट है, तो कुछ नहीं हमें उसमें कोई लेना देना नहीं, हमें बस एक्स एक्सिस के ऊपर वो सारे पॉइंट्स निकालना है जिनका हमारा वाला लाइन से दूरी कितना है बेटे फोर यूनिट है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर बेटे? यस सर। अच्छा यस सर। ओके तो स्कूल में तो हम पढ़े हैं जिसका वैल्यू हमें चाहिए हम अस्यूम करते हैं कि लेट इट बी दिस, फिर उसका वैल्यू निकालते हैं, स्कूल में करते थे ना कि अगर हमें मास चाहिए तो हम लेते लेट मास इज इक्वल टू एक्स, फिर एक्स का वैल्यू सॉल्व करके निकाल देते हैं। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर हमें एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट चाहिए जिसका दूरी हमारे लाइन से इज इक्वल टू फोर यूनिट है, तो मानो एक्स एक्सिस के ऊपर वो जो पॉइंट, हाँ यस हाँ यस सर, यहाँ पे तो सर एक ही पॉइंट होगा जो कि फोर यूनिट होगा, क्यों मोर भी हो सकते हैं, जैसे देखो दिखाया तुम्हें डायग्राम बना के, देखो बेटे ये मेरा लाइन है ना, देख रहे हो, मानो यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका हमारे वाला लाइन से दूरी फोर यूनिट है, और एक पॉइंट ये भी हो सकता है इधर से भी आ सकता है ना, देख रहे हो वही एक्स एक्स के ऊपर पॉइंट है,
और लाइन से दूरी इसका भी 4 यूनिट हो सकता है, राइट? गॉट इट और नॉट? यस देर इज ए पॉसिबिलिटी, राइट? देर इज ए पॉसिबिलिटी, आई होप यू अंडरस्टैंड. व्हाट अबाउट द अदर्स? एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? हेलो यस सर. बस तो एक्स एक्सिस के तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट्स जिनका दूरी इससे 4 यूनिट है ये लाइन से, तो मानो वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x,0. लेट x,0 नहीं लेता हूँ मैं, h,k ले जाता हूँ. h,0 बी द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम, ये जो लाइन में इसका नामकरण करता हूँ L1, ठीक है ना, L फ्रॉम L सच दैट, उसका इक्वेशन क्या रखा है, x/3 + y/4 = 1, हाँ इज 4 यूनिट. तो मानो h,0, अच्छा 0 क्यों लिया इसका y कोऑर्डिनेट, क्योंकि अगर ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है तो उसका y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ना, मेरे बात समझ रहे हो? हाँ यस सर. यस सर. यस सर. तो मानो h,0 इज ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस जिसका हमारा लाइन से डिस्टेंस है 4 यूनिट. तो मुझे अगर h का वैल्यू मैं निकाल दूं तो मुझे पॉइंट का पता चल जाएगा, क्योंकि ये तो 0 है y कोऑर्डिनेट, खाली h का वैल्यू निकालना है. h का वैल्यू निकालने से ये पॉइंट क्या है जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर है जिसका डिस्टेंस है 4 यूनिट, मुझे पता चल जाएगा. मेरे बात समझ रहे हो? क्लियर? यस सर. अच्छा यस सर. यस सर. अब बात ये कि यहाँ पर बेटे जब इसको जब जब मतलब जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, हो सकता है आपका एच का एक से ज़्यादा वैल्यू निकले, मतलब शायद एच का 2 वैल्यू निकल गया. तो इज देयर एनी प्रॉब्लम अगर एच का 2 वैल्यू निकलता है? नो सर. मैं बताता हूँ, देखो मैं आपको एक मतलब एक आइडिया देता हूँ. ये क्वेश्चन कर किए और लास्ट को मानो एच का वैल्यू 2 आ गया, मानो 1 2 आ गया, 1 3 आ गया, मतलब 2 ऐसे पॉइंट आ गया, 2,0, 3,0. कोई प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि तो इसका मतलब ये दोनों दोनों लाइन का डिस्टेंस हमारे लाइन से, सॉरी दोनों पॉइंट का डिस्टेंस हमारे लाइन से 4 यूनिट है और क्या, राइट? अरे समझ रहे हो? यस सर. यस सर. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. बस लेकिन मैंने आपको बोला था कि जब आप लाइन का लाइन मतलब जब आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन मेजर करोगे तब लाइन का इक्वेशन आपको जनरल फॉर्म में चाहिए, है ना? तो इसको पहले आप जनरल फॉर्म में लाओ. तो उसने लिखा है कि लाइन का इक्वेशन x/3 + y/4 = 1. बेटा अगर एलसीएम ले जाए 12 तो क्या होता है बेटा, 4x क्या होगा, 4x + 3y - 12 = 0. चेक करो, यही आपका लाइन का इक्वेशन है. मेरे बात समझ रहे हो? दिस इज द इक्वेशन ऑफ माई लाइन इन जनरल फॉर्म. बस अच्छा, और हमारा पॉइंट क्या है बेटे, h,0. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्वेश्चन के हिसाब से एक्स एक्सिस के ऊपर ये जो पॉइंट h,0 है उसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट इज इक्वल टू व्हाट, 4 यूनिट, है ना? क्लियर? यस सर. तो एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है h,0 और क्वेश्चन के हिसाब से उस पॉइंट का लाइन से दूरी है 4 यूनिट और हमें एच का वैल्यू निकालना है. तो बेटा हम क्या करेंगे बेटा, फॉर्मूला लगाएंगे. डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बेटे? हाँ यस सर. प्रियंका वांट्स टू जॉइन द क्लास. मैं अलाउ नहीं किया अभी तक क्या? अच्छा अच्छा अच्छा. नहीं तो प्रियंका तो अभी तक एडमिट के लिए भी नहीं पूछा है. उसको फिर से बोलो रिज्वाइन करने के लिए. फिर से बोलो. यस. फिर से बोलो. अच्छा तो अकॉर्डिंग टू, हाँ तो बताओ क्वेश्चन के हिसाब से. हाँ तो ठीक है, तो अब क्या करेंगे बेटा, फॉर्मूला लगाएंगे. डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + by1 + c का mod / √ है ना? तो आप तो आपको क्या करना है, जो लाइन का जो इक्वेशन है जो कि जनरल फॉर्म में आपको पहले लाना है. मैं बार बार बता रहा हूँ, लाइन का इक्वेशन पहले जनरल फॉर्म में होना चाहिए. हम ले आए उसका जो लेफ्ट पार्ट है लाइन का इक्वेशन का, वो क्या है,
एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल सी है ना। तो उसी में एक्स का जगह खाली हमें एच और वाई का जगह हमें जीरो सब्स्टिट्यूट करना है, मेरे को समझ रहे हो। फोर इंटू एच प्लस थ्री इंटू जीरो माइनस ट्वेल्व एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी का मॉड डिवाइड बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ दिस इज इक्वल टू फोर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यस इसी को सॉल्व करके मुझे एच का वैल्यू निकालना है। आज क्यों लेट रहे, लेट में कर रहे। ओके बस तो बेटे बताओ ये क्या होगा बेटे, 4h माइनस 12 का मॉड। अरे समझ रहे हो ना। हेलो यस सर। हाँ नीचे नीचे कितना हो गया बेटे, 5। हाँ 5 मल्टीप्लाई हो गया 4 से, क्या हो गया 20। क्या हो गया 20। अब आता है बेटे, हाँ अब आता है बेटे मॉड्यूलस का गेम। और वो गेम क्या है बेटे, आपको बताया था मैंने कि अगर x का मॉड्यूलस आपका मानो 5 आ रहा है तो x क्या क्या हो सकता है भाई, प्लस माइनस 5, माइनस 5 और प्लस 5, क्योंकि दोनों का मॉड 5 है, x का वैल्यू 5 भी हो सकता है। मैंने उसी तरह इधर बेटे 4h माइनस 12 का मॉड अगर 20 है तो 4h माइनस 12 20 भी हो सकता है, माइनस 20 भी हो सकता है। यस सर। जैसे भी होगा उसका मॉड 20 आ जाएगा, राइट क्लियर। अच्छा तो यहाँ पर दो केसेस आ रहे हैं कि व्हेन 4h माइनस 12 इज इक्वल टू 20 तो h का वैल्यू क्या है निकालेंगे, एंड उसी तरह व्हेन 4h माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 20 वहाँ पर h का वैल्यू क्या है निकालेंगे। तो इधर 4h क्या हो जाएगा, 20 प्लस 12 कितना होगा 32। h कितना होगा बेटा 8। और इधर 4h क्या होगा बेटे, 12 माइनस 20 मतलब माइनस 8। माइनस 8 h का वैल्यू कितना होगा, माइनस 2। तो देखो भाई तो इसका मतलब h का दो दो वैल्यू आ रहे हैं, दैट मींस जो हम जो अस्यूम किए थे कि मानो देयर इज ए पॉइंट h कॉमा 0 ऑन द x एक्सिस, जो अस्यूम किए थे बेटे क्वेश्चन मतलब जो असम्पशन के लैंग्वेज पर मत जाओ। आप बोलोगे सर आपने लिखा था लेट एच कमा जीरो बी द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, जब एच का दो वैल्यू आया शुरुआत में क्यों नहीं लिखे थे एच कमा लेट एच कमा जीरो बी वन ऑफ द पॉइंट्स, ऐसा नहीं भाई। सुनो हमें ना अस्यूम करना होगा कि मानो एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है एच कमा जीरो जिसका डिस्टेंस ये लाइन से 4 यूनिट है, करके डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, लगा के एच का वैल्यू निकालना है। अभी एच का दो दो वैल्यू आ गया, इसका मतलब देर आर टू सच पॉइंट्स, देर फोर 8.0 एक पॉइंट, माइनस 2.0 अनदर पॉइंट है ना ऑन द एक्स एक्सिस, क्लियर। हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन एक्स बाई 3 प्लस वाई बाई 4 इक्वल टू 1 इज 4 यूनिट्स। आई होप यू गॉट इट राइट। यस सर। अच्छा ठीक है, जो अभी न्यू ज्वाइन किए मैं खाली उनको फॉर्मूला दिखाया था। फॉर्मूला है बेटा इससे देखो, फॉर्मूला है कि अगर आपके पास एक लाइन है, अगर आपको एक लाइन का इक्वेशन दे रखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो और कहीं पर एक पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट से एक्स वन वाई वन, और अगर आप ये पॉइंट पी से ये लाइन तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करना चाहते हो मतलब ये लेंथ मेजर करना चाहते हो तो आप ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल करोगे। कैसे इस्तेमाल करोगे ना, पहला तो लाइन का इक्वेशन आपको जनरल फॉर्म में देना चाहिए एक्स प्लस यू आई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ऐसे फॉर्म में देना चाहिए। उसमें आपको क्या करना है बेटे, जो लाइन का जनरल फॉर्म में जो लेफ्ट पार्ट है एक्स प्लस यू आई प्लस सी उसमें एक्स के जगह एक्स वन सब्सटीट्यूट करना है एक्स वन, वाई के जगह वाई वन सब्सटीट्यूट करना है बी वाई वन प्लस सी का मॉड डिवाइड बाई रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना है। एवरीबडी गॉट इट। हेलो ओके यस सर। वेरी गुड वेरी गुड यस सर वेरी गुड। अब खाली लास्ट बचा है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ये कर देंगे तो ये मैं आपको रिलीव कर दूंगा ठीक है। सॉरी ओके तो देखो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, भाई दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस,
अच्छा आप मुझे कोई बोल सकते हो क्यों ये उसने डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस खाली मतलब क्वेश्चन में नहीं दिया, मतलब उसके लिए कुछ मतलब कॉन्सेप्ट नहीं डाला है, खाली डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस कॉन्सेप्ट उसने क्यों आपको समझने के लिए बोला है? व्हाई डिस्टेंस बिटवीन न्यू टू लाइंस क्यों नहीं निकाला जा सकता है? सर बिकॉज वो तो मीट करेंगे ना। देखो बेटा सुनो, जब दो पॉइंट होते हैं, सॉरी दो जो दो लाइन अगर होते हैं और अगर वो पैरेलल नहीं है, मानो देर आर टू लाइन्स विच आर नॉट पैरेलल टू इच अदर, तो एक ही संभावना है क्या है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि तो दो लाइन आइदर पैरेलल होंगे या फिर इंटरसेक्ट करेंगे। आप बोलोगे सर अगर दो लाइन कोइंसिडेंट हो गए तो, हाँ भाई कोइंसिडेंट मतलब ही पैरेलल, जब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन पड़ा होता है तो वो भी दोनों पैरेलल होते हैं, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि दो लाइन अगर पैरेलल नहीं है तो क्या है, देन दे आर इंटरसेक्टिंग इच अदर एट सम पॉइंट, राइट। अच्छा इस सिचुएशन में उन दोनों लाइन के बीच में बहुत सारे डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं इनफैक्ट, क्योंकि आप कहाँ से क्या तो मेजर करोगे, दो लाइन के बीच में अगर डिस्टेंस मेजर कर, इस ये पॉइंट से मानो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये मेजर किए, ये पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर, बहुत सारे ऐसे होगा, बहुत सारे से नहीं अलग अलग सब अलग अलग वैल्यू आएंगे, है ना, सब डिस्टेंस अलग अलग आएंगे, राइट। हाँ लेकिन पैरेलल लाइन से होता क्या है ना, पैरेलल लाइन दो के बीच में हमेशा डिस्टेंस सेम रहता है, राइट, हमेशा डिस्टेंस सेम रहता है। हाँ बस, तो हमें ऐसे दो पैरेलल लाइन दिए गए होंगे और हमें उन दोनों के बीच में डिस्टेंस मेजर करना है। कितनों को यहाँ तक समझ में नहीं आ रहा है? एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर, यस सर, यस हाँ सर। तो पहले हम सिर्फ और सिर्फ देखेंगे फॉर्मूला, फिर कैसे डिराइव है बता दूंगा, फिर हम क्वेश्चन उसके ऊपर करेंगे। बेटा देखो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, मानो दो पैरेलल लाइन आपको दे रखे हैं, लेट द टू पैरेलल लाइंस बी गिवन एज, मानो दोनों पैरेलल लाइन आपको ऐसे दे रखे हैं कि एल वन जिसका इक्वेशन आपको उसने दे रखा है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन, और एक लाइन है L2 जिसका इक्वेशन उसने दे बेटा सच दैट इक्वल्स में सच दैट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू। बेटा सेकेंड मैं समझाता हूँ, डोंट वरी। मानो ये क्वेश्चन में दे रखा है कि मानो ये दोनों पैरेलल लाइन है। अब सवाल आता है कि मैं ये दोनों इक्वेशन में एम दोनों का सेम रखा और सी दोनों का अलग अलग कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया? पैरेलल लाइन से सेम स्लोप। एक्सलेंट। यस। अगर दो लाइन पैरेलल है, अगर L1 L2 क्वेश्चन के हिसाब से पैरेलल है तो दोनों का स्लोप तो सेम होना चाहिए ना, इसीलिए मैं दोनों का स्लोप को एम एम लिखा हूँ, सेम सेम लिखा हूँ, मेरे पास समझ रहे हो? अरे क्लियर। हाँ यस सर। लेकिन दो पैरेलल लाइन का वाई इंटरसेप्ट क्यों इक्वल होना चाहिए, ऐसा तो कोई जरूरत नहीं है, है ना, क्योंकि अगर दो पैरेलल लाइन का वाई इंटरसेप्ट सेम हो गया तो इसका मतलब दोनों पैरेलल लाइन वाई एक्सिस को सेम पॉइंट पर टच कट करते हैं, इसका मतलब दोनों पैरेलल लाइन, मानो दे इमेजिन करो, इमेजिन करो दो पॉइंट का जब वाई इंटरसेप्ट सेम हो जाता है, इसका मतलब क्या है, सॉरी दो लाइन, हाँ दो लाइन का अगर वाई इंटरसेप्ट सेम हो गया इसका मतलब क्या होता है कि दोनों लाइन वही एक पर्टिकुलर पॉइंट, वही एक पर्टिकुलर पॉइंट में वाई एक्सिस को कट करेगा, दोनों के दोनों लाइन, है ना, मेरे बात समझ रहे हो? क्लियर। यस यस यस। तो इस yes, हाँ तो इस सिचुएशन में दो संभावनाएं क्रिएट होता है, एक अगर दो दोनों लाइन एक ही पॉइंट पर वाई एक्सिस को कट करें क्योंकि दोनों का वाई इंटरसेप्ट सेम है तो इसका मतलब दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, दे आर नॉट पैरेलल। दूसरा क्या बेटा, कौन दूसरा क्या बेटा नतीजा निकल सकता है कि दोनों लाइन कोइंसिडेंट हो सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर है, वैसा भी अगर होता है तो दोनों का वाई इंटरसेप्ट सेम रहेगा। लेकिन हमें एक जनरल केस लेना है जहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल हो, और दो लाइन अगर एक दूसरे के साथ पैरेलल है जैसे कि यहाँ पर, तो दोनों का वाई इंटरसेप्ट अलग अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता है, राइट, इसका यहाँ पर जो वाई कोऑर्डिनेट होगा इसका वाई इंटरसेप्ट, इसका यहाँ पर जो वाई कोऑर्डिनेट होगा इसका वाई इंटरसेप्ट, इसे मैंने C1 से टू लिया लेकिन दोनों का स्लोप सेम है। अच्छा आई होप यू गेट इट, राइट। यस सर। अच्छा यस मैम, लाइन को यहाँ पर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्यों लिए? आगे फिर भी इसके बाद जनरल जनरल फॉर्म भी दिखाऊंगा, इसके बाद जनरल फॉर्म भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले इसको फिर जनरल फॉर्म। गॉट इट? ओके अच्छा यस। हाँ तो
तो अगर बेटे आपको दोनों के दोनों पैरेलल लाइन ऐसे आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दे रखे, आपको पता चल रहा होगा ये दोनों के दोनों दो लाइन का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है ना। जहाँ पर एल वन का स्लोप एम है, एल टू का स्लोप भी एम है, एल वन का y इंटरसेप्ट सी वन है, एल टू का y इंटरसेप्ट सी टू है। तो द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स, मानो ये d है, d का वैल्यू आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे पहले, है ना, सी वन माइनस सी टू, बस तो हमें अगर ये दोनों लाइन के बीच में दूरी निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखोगे कि सी वन माइनस सी टू का मॉड डिवाइड बाय रूट ओवर ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर, है ना। स्क्वायर एम क्या है बेटे, दोनों का स्लोप है। मेरा बात समझ गए बेटे, पहले सी वन माइनस सी टू का मॉड डिवाइड बाय रूट ओवर वन प्लस एम। मैं फिर से बताता हूँ, दो लाइन है और एक दूसरे के साथ पैरेलल है, एक का इक्वेशन रखा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन, दूसरा का इक्वेशन रखा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू। और अगर मुझे दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, फॉर्मूला ना सी वन माइनस सी टू का मॉड डिवाइड बाय रूट ओवर ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर। एवरीबॉडी गॉट इट, वेयर एम इज द स्लोप? यस सर। हाँ यस सर। ओके, दूसरा बात बेटे याद रखो, यहाँ पर मॉडुलस दे रहे हैं, तो सी वन माइनस सी टू लिखो या फिर सी टू माइनस सी वन लिखो, अभी कोई फर्क नहीं डालेगा, बिकॉज ए माइनस बी का मॉड जो है बी माइनस ए का भी मॉड होगी, तो ये वाला फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना होगा। तो चलो उसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद अगर दोनों लाइन का इक्वेशन अगर जनरल फॉर्म में दिया गया होता है तब हम कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर बेटे मुझे दो लाइन दे रखे हैं, ये दो लाइन, और मुझे इनके बीच में डिस्टेंस पूछा है, ठीक है। अभी ये दोनों लाइन का इक्वेशन जनरल फॉर्म में दे रखा है, तो मैं जानबूझकर उनको मतलब ले आता हूँ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में और दोनों का डिस्टेंस आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने जनरल फॉर्म में अगर दिया गया होगा। हाँ यस, तो दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर वाई इंटरसेप्ट, दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर व्हाट दिस फॉर्मूला इज अप्लाइड ओनली व्हेन द टू द इक्वेशंस ऑफ द टू स्ट्रेट लाइंस आर गिवन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर दोनों लाइन का इक्वेशन आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दे रखा है तो यही फॉर्मूला इस्तेमाल करके मैं उन दोनों के बीच में डिस्टेंस मेजर करूंगा। गॉट इट? यस सर। हां सर, अगर वाई इंटरसेप्ट होगा सर, एक्स इंटरसेप्ट होगा नहीं, वाई इंटरसेप्ट का यही फॉर्मूला है। एक्स इंटरसेप्ट अगर देखा आपको, उसको वाई इंटरसेप्ट फॉर्म में लाना होगा पहला बार, ठीक है ना। यू हैव टू, दो ही फॉर्मूला आपको पढ़ा जाएगा, आपको एक्स इंटरसेप्ट वाला कुछ नहीं, आपको वाई इंटरसेप्ट वाला के फॉर्म में ला के ऐसे करना होगा, नहीं तो जनरल वाले में अभी दिखाऊंगा। मेरे पास समझ गए बोले क्लियरली? हेलो यस सर। यस सर। ओके ठीक है। अब देखो, मानो आपको दोनों स्ट्रेट लाइन ऐसे दे रखे हैं, एल वन इज इक्वल टू एल वन सच दैट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस कैपिटल सी वन इज इक्वल टू जीरो। मतलब या इसके पहले मैंने दोनों लाइन का इक्वेशन आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दे रखा था, लेकिन अब मैं आपको दोनों लाइन का इक्वेशन दूंगा जनरल फॉर्म में। पहला लाइन का इक्वेशन है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, दूसरा लाइन का इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर आपने क्यों दोनों इक्वेशन का कांस्टेंट अलग अलग लिए है, लेकिन कोफिशियंट्स क्यों अलग अलग नहीं लिए? सही बात है, राइट? दोनों लाइन तो क्यों नहीं लिया, पहले कारण सुन लो, क्योंकि दोनों पैरेलल है इसीलिए नहीं लिया। अब उसका एक्सप्लेनेशन मैं करूँगा एक क्वेश्चन में, मेरा बात समझ रहे हो? फिलहाल अभी के लिए याद रखो बेटा, दो पैरेलल लाइन आप अगर आपको ऐसे दे रखा है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, दूसरा एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो, मेरा बात समझ रहे हो? हाँ
सर जो असाइनमेंट दिए थे उसमें सर एक क्वेश्चन था सर, उसमें भी सर ए का बी का सर दो था, एक आल्टीट्यूड का था एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का था। सर उसमें ए बी का सर दो लाइन का ए बी का सर सेम आ रहा था, लेकिन सर सी वन एंड सी टू का अलग आ रहा था। हाँ यस दिखाऊंगा। अच्छा पहले तो इतना तक समझ रहे हो कि भाई सब बाउंस कर रहे हैं। अरे बाउंस नहीं कर रहे, तो बाउंस करेगा ना प्रॉब्लम, फंस जाओगे पूरा पूरा। एक्टिव होकर समझ लो, इधर ही सब कुछ आपको मिलेगा, बाहर कुछ नहीं मिलेगा। बाहर जाओगे तो सो शॉर्टकट शॉर्टकट मिलेगा, शॉर्टकट शॉर्टकट तो काम चलाना चाहते हो तो चला दो, कोई नहीं। तो बेटे दोनों लाइन के बीच पैरेलल लाइन के डिस्टेंस निकाल लें। तो अभी दोनों लाइन का इक्वेशन हमें जनरल फॉर्म में दे रखा है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा बेटे? देखो देखो वहाँ पर सी वन माइनस सी टू था ना, लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मूला वाला सी वन माइनस सी टू था, ये सी वन सी टू स्मॉल सी वन स्मॉल सी टू थे, मतलब दोनों का वाई इंटरसेप्ट सी वन सी टू। मेरे बात समझ रहे हो? क्लियर? हेलो यस सर यस सर। इधर भी वही सी वन सी टू फॉर्मूला रहेगा, सी वन माइनस सी टू, लेकिन कैपिटल सी वन कैपिटल सी टू, मतलब दोनों का जनरल इक्वेशन का जो ये कॉन्स्टेंट लिखा है, ठीक है ना? यस डिवाइड बाई रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट्स दिस इज द फॉर्मूला फॉर द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस व्हेन दे आर जनरल फॉर देयर व्हेन व्हेन देयर जनरल इक्वेशंस आर गिवन टू यू। ओके तो चलो इसको लेके एक सवाल करते हैं। इधर यहाँ पर बैठे दो लाइन बीट वन करते हैं, दो लाइन, पहला लाइन का इक्वेशन उसने दे रखा है 15x प्लस 8y माइनस 34 इज इक्वल टू जीरो। दूसरा लाइन क्या दे रखा है ना, 15x प्लस 8y प्लस 31 इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमें दो पैरेलल लाइन दे रखे हैं और पूछा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। मेरे को समझ रहे हो? तो अगर आप गौर करके देखो, इधर कैपिटल ए का वैल्यू क्या है बेटा, 15 है, कैपिटल बी का वैल्यू 8 है, दोनों में कैपिटल ए कैपिटल ए सेम रहेगा दोनों में। मैंने लिया था क्यों नहीं वही, देखो एक से yes, बस। और बेटे सी वन इज इक्वल टू माइनस 34, सी टू इज इक्वल टू व्हाट 31। अरे क्लियर? हेलो यस यस सर। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओगे सी वन माइनस सी टू का मॉड डिवाइड बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी वन का वैल्यू डालोगे, सी टू का वैल्यू डालोगे, नीचे इसका ए का वैल्यू बी का वैल्यू डाल के इसको निकालोगे वैल्यू, जो आंसर आएगा दैट इज योर फाइनल आंसर। क्लियर? ओके ठीक है। बी टू देखो उसी तरह बी टू में भी क्या दे रखा है उसने, एक लाइन का इक्वेशन दे रखा है बी टू में। देखो उसने एक लाइन का इक्वेशन दे रखा है एल होल इन टू एक्स प्लस वाई प्लस पी इज इक्वल टू जीरो। दूसरा लाइन का इक्वेशन दे रखा है एल होल इन टू एक्स प्लस वाई माइनस आर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और ये दोनों लाइन पैरेलल है और हमें दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो बेटा अगर ऑब्जर्व करो तो एल वन का इक्वेशन सिंपली लिखा है एल एक्स प्लस एल वाई प्लस पी इज इक्वल टू जीरो। एल टू का इक्वेशन क्या लिखा है एल एक्स प्लस एल वाई माइनस आर इज इक्वल टू जीरो। तो मतलब दोनों लाइन का इक्वेशन में कैपिटल ए क्या है भाई एल ए, कैपिटल बी भी क्या है भाई एल ए, सी वन कितना है भाई पी है, सी टू कितना है भाई माइनस आर है। अरे अभी फॉर्मूला लगा दोगे ना, हेलो 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 वही एल आर, बस वही एल आर के फॉर्म में ही आपका आंसर आएगा, एल आर के फॉर्म में ऑब्वियसली ना, एल आर के फॉर्म में तो आंसर आएगा, ठीक है। बस अब मैं खाली आपको दिखाता हूँ कि इसको डिराइव कैसे किया जाता है, लेकिन डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आएगा, पहले आप जान लो। देखो डे मानो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन और दूसरा का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू और मैं उन दोनों के बीच में डिस्टेंस मेजर करना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा और दोनों ऑब्वियसली पैरेलल नहीं है क्योंकि दोनों का स्लोप मैंने इक्वल ले रखा हूँ। तो मानो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये एल वन एल टू देता हूँ, मानो ये लाइन एल वन है और मानो ये लाइन एल टू है, जैसे कि आप देख सकते हो दोनों को मैंने पैरेलल बनाया हूँ। ऑब्वियसली दोनों का स्लोप इक्वल है, छोड़ो उसको। L1 का वाई इंटरसेप्ट इज सी वन, इज इट इट? तो इसका मतलब L1 लाइन जिस पॉइंट पर, L1 लाइन जिस पॉइंट पर y एक्सिस को कट करेगा वो पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा, सी वन रहा होगा और x कोऑर्डिनेट तो जीरो रहेगा ऑब्वियसली।
अरे वाई इंटरसेप्ट का मतलब समझते हो ना, द वाई कोऑर्डिनेट, द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन कट्स द वाई एक्सिस। हमारा लाइन जिस पॉइंट पर वाई एक्सिस को कट करेगा वो पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा दैट इज इट्स वाई इंटरसेप्ट। इसका वाई इंटरसेप्ट सी वन है, इसका मतलब जहाँ पर कट करेगा। एवरीबॉडी गॉट इट नाउ? क्लियर? सर इसका फॉर्मूला क्या है सर? मॉड ऑफ सी सी वन माइनस सी टू है रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर। बस सुनो, तो इसके पहले क्वेश्चन में सर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यों? इसका पहला क्वेश्चन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यों? वही मैंने आपको बोला, दैट इज द ह्यूज मिस्टेक दैट यू आर मेकिंग राइट नाउ। मैं कोई भी चीज में स्किप करूंगा, एम आई गोइंग टू स्किप एनीथिंग? तो मैं अभी ये पढ़ा रहा हूँ, तुम अभी वो सोच रहे हो, डोंट डू इट। मैं इसको पढ़ाने के खत्म करूंगा फिर उसके ऊपर जाऊंगा कि नहीं, या फिर साइमल्टेनियसली मैं इसको समझाते हुए उसको भी समझा दूं? इज दैट पॉसिबल? एक टाइम में दो डेरिवेशन करना पॉसिबल है? तो फिर थोड़ा सा धैर्य भी रखना चाहिए कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, हम थोड़ा सुने। आज तक कभी भी आपको लगा है कि मैं कोई चीज़ स्किप कर दिया हूँ, आपको बिना एक्सप्लेनेशन दिए बता छोड़ दिया हूँ, ए भाई ऐसा लिख दो, ए भाई ऐसा लिख दो, बोल दिया हूँ कभी? मैं बोलूँगा ना, वेट अ सेकंड, राइट? अच्छा सुनो, व्हाट अबाउट द अदर्स? हेलो ग्रेट एवरीबॉडी। यस सर। यस सर। तो ये मेरा L1 है और ये मेरा L2 है, मुझे दोनों के बीच में दूरी का मेजर करना है। और L1 का वाई इंटरसेप्ट C1 है, इसका मतलब जो पॉइंट पर L1 y एक्सिस को कट कर रहा होगा उसका y कोऑर्डिनेट C1 और x कोऑर्डिनेट 0। और मुझे दोनों के बीच में दूरी चाहिए। अच्छा मुझे पता है कि पैरेलल दो पैरेलल लाइन के बीच में दूरी हमेशा सेम रहता है जिधर भी करूँ, राइट? हमेशा सेम रहता है, राइट? तो मतलब मैं अगर ये जो पॉइंट P है, मैं ये जो पॉइंट P है अगर उससे मेरा लाइन L2 के साथ अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर कर दूँ, मैं अगर मेरा पॉइंट P से लाइन L2 के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर कर दूं, वही तो होगा ना दोनों पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस। अरे मेरे बात समझ रहे हो? क्लियर? व्हाट अबाउट द अदर्स? यस सर। यस सर। यस सर। यस। अच्छा L2 का इक्वेशन उसने क्या दे रखा है? y इज इक्वल टू mx प्लस c2, समझ रहे हो? अच्छा बेटा मैं अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा? mx माइनस y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। L2 का इक्वेशन क्लियर? यस सर। यस। मुझे P से डिस्टेंस निकालें, और मैंने अभी बताया था बेटे अगर आप किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करोगे तो क्या फॉर्म लगाओगे? x1 प्लस by1 प्लस c का मॉड डिवाइड बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे याद है ना, भी होता था? यस सर। लेकिन लेकिन उसके लिए पहले तो वो लाइन का इक्वेशन आपको जनरल फॉर्म में देना चाहिए। इसीलिए देखो L2 का इक्वेशन आपको जनरल फॉर्म में नहीं दिया था, स्लोप इंटरसेप्ट में दिया था, लेकिन मैंने क्या कर दिया उसको अभी जनरल फॉर्म में ले आया। देख रहे हो mx माइनस y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म में आ गई नहीं? बस तो बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम P टू L2 का फॉर्मूला लगाओ बेटे, क्या होगा? मैंने क्या बोला था कि जो मतलब जिस लाइन के प्रति परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करना चाहते हो उसका जो इक्वेशन का जो लेफ्ट हिस्सा है ना, वहाँ पर x के जगह क्या पुट करोगे? 0 पुट करोगे, y का जगह क्या पुट करोगे? C1 पुट करोगे। अरे समझ रहे हो? यस सर। यस सर। प्लस C2 फिर मतलब इसी में लेफ्ट में खाली x का जगह 0 और y का जगह 1, यही फॉर्मूला है। इसका मॉड डिवाइड बाई रूट ओवर ऑफ व्हाट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और हमारे वाले यहाँ पर जो L2 का इक्वेशन में a क्या है बेटे? m है, तो m का स्क्वायर प्लस b क्या है बेटे? यहाँ पर माइनस वन है, देख रहे हो? माइनस वन का स्क्वायर। तो बेटे m इंटू 0 कट गया, मतलब 0 हो गया। ये क्या हो गया बेटे? C2 माइनस C1 का मॉड डिवाइड बाय रूट ओवर ऑफ बेटे 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस m स्क्वायर। अरे समझ रहे हो कि नहीं? हेलो, गेट इट?
यस सर यस सर यस सर ओके। तो मैंने आपको क्या डिराइव यहाँ पर करके दिखाया कि अगर मुझे दोनों लाइन का इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया गया होता है तो दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे में मेजर सॉरी दोनों के बीच में डिस्टेंस में कैसे मेजर करता हूँ। और डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आने वाला, खाली समझाने के लिए, नॉट फॉर एग्जाम, नॉट फॉर एग्जाम, खाली आपको फॉर्मूला को अप्लाई करना सीखना होगा। अच्छा अब आते हैं देबू का सवाल, आंसर देबू का सवाल पे। देबू का सवाल है कि सर अगर दोनों का इक्वेशन जनरल फॉर्म में दिया गया होता है तो ये इक्वेशन आपको कैसे मिला, मतलब ये जो फॉर्मूला आपको कैसे मिला, सी वन माइनस सी टू का मॉड डिवाइडेड रूट ऑफ स्क्वायर पी स्क्वायर। तो चलो दिखाता हूँ, लिसन एवरीबॉडी पेइंग अटेंशन, क्लोज अटेंशन। यस सर यस सर। ओके तो मानो बेटा आपको दोनों लाइन का इक्वेशन ऐसे दे रखा है जनरल फॉर्म में, एल वन दे रखा है क्या एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, एल टू दे रखा है वही एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो, मतलब दोनों पैरेलल लाइन का इक्वेशन दे रखा है बस। और ये सी वन सी टू वाई इंटरसेप्ट नहीं है, ये जनरल इक्वेशन का जो कॉन्स्टेंट होता है ना वो केयरफुली ऑब्जर्व करो भाई, वो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में जो सी होता है वो होता है वाई इंटरसेप्ट। अरे समझ रहे हो क्लियरली? अच्छा अभी मुझे दोनों का क्या निकालना है बेटा, दोनों का मतलब फॉर्मूला, मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। अच्छा बेटा देखो मैं डायरेक्ट काम करूँगा, ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ कि अगर दोनों का इक्वेशन अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया गया होता है तो उनके बीच में डिस्टेंस मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, डिराइव कर चुका हूँ। अच्छा तो क्यों ना एक काम करें, यहाँ पर उसने हमें जनरल फॉर्म में दे रखा है तो, लेकिन हम तो इसको स्लोप इंटरसेप्ट में ला सकते हैं ना, राइट? कि y इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी इन टू एक्स, अरे बोलो ना फिर क्या होगा, माइनस सी वन बाई माइनस सी वन बाई, अरे होगा ना, अब अगर लाओ उधर बी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस सी वन, फिर y इज इक्वल टू क्या होगा, b लाके दोनों तरफ डिवाइड कर दो, मैं टाइम थोड़ा देता हूँ, समझ में आया अभी तक यहाँ तक? तो बस अभी L2 को भी लाओ उसी तरह, माइनस ए बाई बी इंटू एक्स माइनस सी टू बाई बी, बस एवरीबॉडी गॉट इट? तो भाई देखो आ गया ना आपका दो आपका जो दोनों लाइन का इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट में, यही तो आपको चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी बेटे देखो हम क्या करते हैं हमेशा कि एक 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 क्या बोलते हैं एक निशाने पे दो बर्ड को शूट कर देना, राइट? ऐसा कुछ होता है, हाँ, एक तीर में दो निशान, राइट? एक तीर में दो निशान, वैसे वही कर रहे हैं हमने ना। अगर दोनों का इक्वेशन अगर स्लोप इंटरसेप्ट में दिया गया होता है तो दोनों के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला डिराइव कर लिए, और इसी को इस्तेमाल करके ही ये फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे, और इसके लिए सेपरेट ड्राइव नहीं करेंगे, मेरे को समझ रहे हो? यस सर। ओके तो दोनों का इक्वेशन मैंने अभी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ला लिया। तो दोनों का एम यहाँ पर क्या है बेटे, माइनस एम बाई बी। अच्छा बेटे यहाँ पर स्मॉल सी वन है, ये स्मॉल लिख देता हूँ साइड में, मतलब वाई इंटरसेप्ट है ना, लाइन एल वन का वाई इंटरसेप्ट क्या है भाई, माइनस सी एन बाई बी। अरे देख रहे हो कैपिटल सी, ये कैपिटल सी, कैपिटल सी, अरे गॉट इट? यस सर यस सर। लाइन L2 का वाई इंटरसेप्ट स्मॉल C2 क्या है भाई बताओ, माइनस कैपिटल C2 भाई, बस। तो बेटे दोनों लाइन का अगर हमें स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट पता हो, दोनों पैरेलल लाइन दोनों का स्लोप पता है एंड दोनों का वाई इंटरसेप्ट पता है, तो दोनों पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है ना, C1 माइनस C2 का मॉड डिवाइड बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर सॉरी वन प्लस एम स्क्वायर है ना भाई, और ये स्मॉल सी है, बस बस एवरीबॉडी क्लियर गॉट इट? बस yes. तो बस खाली डालो भाई वैल्यू डालो, yes. स्मॉल सी वन क्या है, माइनस सी वन बाई बी, माइनस सी टू क्या है बेटे, माइनस सी टू बाई बी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। व्हाट अबाउट द अदर्स? अरे कुछ बोलो रे। यस सर
यस सर। और इधर m क्या है, व्हाट इज m, m इधर क्या है, m का वैल्यू माइनस a बाई बी, देख रहे हो। हाँ तो m के जगह क्या लगाते हैं, माइनस a बाई बी का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का रूट ओवर, बस। तो अभी देखो क्या होगा, तो बेटा देखो ऊपर b LCM चला जाएगा, देख रहे हो b ऊपर, अरे रूट ओवर तो मोड़ के दे दिया, सॉरी। बस ऊपर बेटा देखो LCM b चला जाएगा और ऊपर क्या रहेगा, C2 माइनस C1 है ना, C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाई B का मॉड। अच्छा मैं इसको ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूँ, मैंने बताया था दो नंबर का रेशियो का मॉड जो होगा उनका इंडिविजुअल मॉड का रेशियो भी वही होगा, क्लियर। तो मैं इन दोनों को ऐसे लिख देता हूँ कि 1 बाई मॉड ऑफ B इंटू मॉड ऑफ C2 माइनस C1, चले गई नहीं, इसको ऐसे लिख दिया, अरे गॉट इट। हेलो नीचे बेटे बी स्क्वायर एलसीएम ले आया, तो अगर बी स्क्वायर में एलसीएम ले जाता हूँ तो क्या हो जाता है बेटे, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का रूट ओवर। अच्छा अब देखो इधर करता हूँ, तो बेटे ऊपर हो गया वन बाई मॉड बी इंटू सी टू माइनस सी वन। अच्छा बेटे बी स्क्वायर का रूट ओवर क्या होगा, वन बाई मॉड बी होता है ना, मतलब वन बाई बी स्क्वायर का रूट ओवर ये क्या हो जाएगा, नीचे वन बाई मॉड बी है ना भाई, और ये क्या है बेटे रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देख रहे हो ये दोनों कट गए, तो बचा क्या सी टू माइनस सी वन का मॉड डिवाइड बाई रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर, क्लियर और नॉट, दिस इज हाउ टू राइट। अच्छा आप मुझे बताओ स्ट्रेट लाइन चैप्टर का कोई एक भी फॉर्मूला बिना डेरिवेशन के मैं पढ़ाया हूँ, मतलब कुछ को नहीं समझ पाया, घर में जाके बाद में बोलोगे कि हाँ क्या सर पढ़ाया कुछ समझ नहीं आया, कितना पैसा लग रहा है। नो सर, सबको 100% समझ में आया, यस सर, यस सर। देखो आप अगर सुनो, जब मैं आपको पूछता हूँ कि समझ में आया कि नहीं आया, खाली मैं ये बता, ये अभी खत्म हुआ, क्लास अभी खत्म हुआ, मैं आपको बोलता हूँ लिसन। हाँ जब मैं आपको पूछता हूँ कि आज का पढ़ाई समझ में आया कि नहीं आया, या फिर आज का पढ़ाई 100% समझ में आया कि नहीं आया, आप उसको जरा उल्टा समझ लेते हो। देखो बेटे एक्चुअल बात है कि कोई भी चीज़ आपको 100% तभी समझ में आएगा जब आप खुद सेल्फ स्टडी करोगे, बाकी ये 20% आपको समझ में आएगा, 80% टीचर के पढ़ाई समझ में आएगा, ये तो सही बात है। लेकिन मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल एक्चुअली ये है कि मैं जो मैं पढ़ाया उसका 100% समझ में आया कि मेरा पढ़ाने का कुछ नहीं समझ में आया, ये मैं पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल वो है, उसका 100% समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना, वो एक बात है। दूसरा बात है फॉर्मूला आपको याद रहा कि ना रहा उसको आप काउंट मत करो, कितना समझ में आया कितना नहीं समझ में आया, क्योंकि फॉर्मूला तो आप घर में और अच्छे से याद रखोगे खुद से, खाली आपको क्या लगता है कि ये क्लास से आप फॉर्मूला हो गया बेटे, आप डायरेक्ट एनुअल एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे आंसर लगाओगे, आपको इसको घर में प्रैक्टिस करना होगा ये फॉर्मूला है ना, कहाँ पर मैंने क्या बोला कि यहाँ पर स्मॉल सी यहाँ पर कैपिटल सी वगैरह वगैरह पूरा अच्छे से याद रखना होगा। तो फॉर्मूला याद नहीं रहा उसको आप काउंट नहीं करोगे, हमें सब नहीं समझ में आया कि समझ में आया, मेरे पास समझ में बेटे क्लैरिटी के साथ। हेलो यस यस सर, बस यस यस। हाँ तो अब बोलो जितना क्लास में मैं पढ़ाया वो 100% समझ में आया क्या, यस सर यस सर। बाकी नहीं है, बाकी को नहीं है, नॉट 100% तो रुको डाउट रिलैक्स करो, 80 to 90% 80 to 90% कहीं कोई डाउट रहेगा सर, नो डाउट सर, बट सेल्फ रिफ्लेक्शन लगता, सेल्फ रिफ्लेक्शन सर, क्या सेल्फ क्या बोल रहे सर, आप बोले ना सर 20% पर सेल्फ रिफ्लेक्शन के बाद ही नहीं नहीं मेरा सवाल फिर से बोल रहा, मेरा सवाल अभी ये पूछ रहा हूँ कि मैं जितना पढ़ाया उसका 100% समझ में आया कि नहीं, वो पूछ रहा हूँ,
हाँ, तो मैं डर गया, तू लो तू पढ़ाने का 20% नहीं समझाए। अच्छा व्हाट अबाउट द अदर्स, वर्षा जी सोनाली आज कौन किसी झील माने किसी कहू ना कौन तुम हो सकाल सकाल मंदु कहीं घर खाया को देना दिन कौन है? अरे घर आज खाया को देना दिन कौन है? अरे झील गुटा कौन है आज कहीं? हाँ हाँ मैं चाहते आयुषी ए आयुषी आयुषी खाया को दौना ना कौन आयुषी कौन अच्छे मंद कर खाली खाली तो बस ला मंद कर। प्रियंका कौन आज खबर आज निद डेरी भांगा देखना कहूना तुम सब कथ तो मुझ तुम सहित कथ भी ना जा आ जहाँ डाउट फोट पचारे फोन में किसी कहबीन किसी बुझेबीन जा सरला सरला क्लास करू अरे सतरे प्रियंका नो सर ए चाहिए से सी चाहिए आउ आयुष कड़ा ए सी सोईगला सी सोईगला। वर्षा जी यस सर बुझेला सब जा पढ़ेली यस सर हमी छन हो तो सत हाँ सर सत केते सत 100% सत ना 99% सत टिके मिछो रहउ ते भीतर ने कोन ना सर 100% हाँ रेडी हो ओके चलो जाओ। अरे आयुष आयुष को कॉल करके बोलोगे कि सर उठ जा सर बोल रहे थे तेरे नाम पुकार रहे थे। सर आयुष नहीं है। ओहो नहीं है अच्छा 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 प्रॉब्लम होगा चलो ठीक है गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट क्लास में क्लास में मिलते हैं और आप लोग मैं और स्ट्रेस आ गया इतना सुनो 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 लिसन लिसन खाली एक मिनट बताता हूँ 8 बजे 8 नहीं लगा है और 4 मिनट में बता दूँ। मैंने डिसाइड कर लिया एक्चुअली में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है आपके ऊपर। मैंने सब सबसे पूछा वही पूछा सबसे वही बात में मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों के ऊपर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आपका स्ट्रेस लेवल को देखते हुए भी मुझे पढ़ाना होगा और इसके लिए मैं क्लासेस मतलब